नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। पटना बिहार की राजधानी, जो विकास की गाथा के साथ साथ कई कीर्तिमान अपने नाम स्थापित कर रही है और समय के साथ आबादी भी बढ़ती जा रही है। भले ही 16 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी नीतीश सरकार पटना की बढ़ती आबादी को सुगम सड़क देने की कोशिश में लगी हो, लेकिन गाड़ियों की बढ़ती संख्या के कारण जाम आम बात है। समय चाहे कोई भी हो, कुछ चौक चौराहे पर आपका जाम में फंसना तय है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब आप जाम में नहीं फंसेंगे, क्योंकि राजधानी पटना में लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए कई सारे फ्लाईओवर और अंडरपास का काम चल रहा है। लोहिया पथ चक्र के पहले फेज का काम पूरा हो गया है, यानी कि अब ललित भवन के पास बने अंडरपास से गाड़ियां निकलने लगी हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि फेज टू के तहत हड़ताली मोड़ अंडरपास बनाने का काम भी अब तेजी से किया जा रहा है। यह अंडरपास दरोगा राजपथ से बोरिंग कैनाल रोड को जोड़ने वाली है। इसका डिजाइन IIT रुड़की के इंजीनियरों ने तैयार कर लिया है। इससे हड़ताली मोड़ और बोरिंग रोड पर होने वाले जाम की समस्या से आजादी मिलेगी। वहीं लोहिया पथ चक्र के तीसरे फेज का निर्माण सचिवालय मोड़ पर होना है। इसका निर्माण पूरा होने के बाद बेली रोड इलाका का पूरी तरह से जाम मुक्त हो जाना तय माना जा रहा है। इसके अलावा पुनाई चौक के पास भी एक फ्लाईओवर का प्रस्ताव है। पुनाई चौक के पास बनने वाले फ्लाईओवर से लोग सचिवालय और पुनाई चौक की तरफ आ जा सकेंगे, जबकि बेली रोड पर चलने वाले वाहनों को फ्लाईओवर के माध्यम से निकलने में आसानी होगी। लंबे इंतजार के बाद पटना के नेहरू मार्ग में ललित भवन के पास बने अंडरपास से गाड़ियां निकलने लगी है। सड़क जाम की समस्या और वाहनों के सुगम परिचालन के लिए नेहरू मार्ग पर 2015-16 में लोहिया पथ चक्र की कार्य योजना तैयार की गई थी। वैसे तो निर्माण कार्य 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन समय से पहले ही यह काम पूरा कर लिया गया है। अंडरपास बनने से अंदर से ही वाहन नेहरू मार्ग पर निकल जाएंगे। सगुना मोड़ से डाकबंगला की ओर आने वाले वाहनों के लिए लोहिया पथ चक्र के पास दो रास्ते होंगे। एक रास्ता ब्रिज के ऊपर से निकल रहा है और दूसरा रास्ता सर्विस लेन से। सर्विस लेन से ललित भवन, न्यू पुनाई चौक आदि इलाके में जाने में सुविधा होगी, जबकि इस रूट से आने वालों को डाकबंगला की तरफ आते समय ब्रिज के माध्यम से सीधे निकलने में आसानी होगी। डाकबंगला से सगुना मोड़ की तरफ जाने वाले वाहन ब्रिज के माध्यम से सीधे निकल जाएंगे, जबकि CM हाउस और राज्यपाल भवन जाने वाले वाहन सर्विस लेन से निकल जाएंगे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।